morning sir, students subject grammar class 4th chapter 8 yes students today we are going to do some more exercises of your chapter 8 and i hope you have got understood this chapter and today we are going to start your question c okay so let us see your question c select the most appropriate option and tick एट एन एट सेंटेंस आपसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आपको कुछ वाक्य दिए गए उन वाक्यों में कुछ आंसर्स हैं। जैसे कि आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं टिक द करेक्ट आंसर में जैसे चार आंसर्स होते हैं उसमें से सही आंसर टिक करना है आपको तो उसी वे में आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंस दे उन सेंटेंस के बीच उस सेंटेंस में ही आपको आंसर्स दिए गए तो जो सही आंसर है जो कि एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाता हो उस शब्द को आपको क्या करना है टिक करना है ऐसे ओके उसके ऊपर की तरफ सो लेटर्स डू क्वेश्चन वन बॉबी इज अ डैश बॉय मोस्ट लेजी लेजियर एंड लेजी बॉबी इज अ यहां पे देखो बेटा एक, एक, एक सिंगुलर भी है और साथ में ही यहाँ पे बॉय ओके सो वोट वी आर गोइंग टू डू ये यहाँ पे नाम लिया जा रहा है एक लड़के का है ना बॉबी सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे लेजी ओके वी आर गोइंग टू टेक लेजी बिकॉज बॉबी इज अ लेजी बॉय ओके नेक्स्ट द बेबी विथ अ राउंड फेस इज द डैश अमोंग ऑल इन सभी में से आपसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि द बेबी यानी एक छोटा बच्चा है उसका जो फेस यानी चेहरा है वो गोल है यानी राउंड फेस इज द डैश अमोंग ऑल यानी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे उन बच्चों बच्चों में से उसका जो चेहरा है आ, गोल भी है और वो कैसा लग रहा है फैट फैट एंड फैट टेस्ट द बेबी विथ अराउंड फेस इज द डैश अमोंग ऑल वट वि फाट फैटेस्ट द बेबी अराउंड अराउंड फेस इज द फैटेस्ट अमॉन्ग ऑल ओके ट्रेवलिंग बाय शिप इज मोर इज डैर देन ट्रेवलिंग बाय ए यानी हवाई जहाज से जाना जाना ज्यादा महंगा महंगा है और शिप से जाना बहुत ही सस्ता तो हमें क्या लिखना है ट्रैवलिंग बाय शिप इज मोर चीप बहुत ही ज्यादा सस्ता है चीपर चीप देन ट्रैवलिंग बाय कार चीपर देन ट्रैवलिंग बाय एयर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फोर विने गॉट मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट विने गॉट गुड मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव टूडे द वेदर इज डैश हॉट हॉटर और हॉट टेस्ट टूडे द वेदर इज हॉट ओके क्वेशन नंबर सिक्स रविकांत इज अ डैश बॉय टॉलेस्ट बॉय स्नेल इज द डैश ऑफ ऑल द एनिमल्स यहाँ पे देखो बेटा मैंने आपको बताया था कि जब हम वहां पर आ, मतलब आपको मैंने एक्सप्लेन जब किया था मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज बताए थे लेकिन उसके साथ साथ मैंने आपको एक और चीज़ समझाई थी कि कब हमें वहां पे सुपरलेटिव फॉर्म यूज़ करना है कब कॉम्पेरिटिव और कब पॉजिटिव यूज़ किया जाता है ये भी मैंने आपको बताया था है ना एंड टुगेदर दैट मोर और मोस्ट का भी यूज़ करना मैंने आपको बताया था तो उसी हिसाब उसी तरीके से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन स्नेल इज द डैश ऑफ ऑल द एनिमल्स स्नेली स्नेल यानी एक जानवर है एक छोटा सा कीड़े जैसा होता है ये जो होता है एक धोंदा कहते हैं इसे ठीक है स्नेल एक धोंदा है तो ये क्या है अन्य जानवरों से सबसे यानी एक जानवर की बहुत सारे जानवरों के साथ तुलना की जा रही है पॉजिटिव में केवल वन कॉम्पेरेटिव में टू थिंग्स और टू पर्सन और टू अन प्लेस ओके इन कॉम्पेयर इन सुपरलेटिव फॉर्म मोर देन टू यानी दो से अधिक बहुत सारे हो सकते हैं तो यहाँ पे जो तुलना की जा रही है ऑल द एनिमल्स यानी सभी जानवर तो दो से ज्यादा हुए तो ये सुपरलेटिव फॉर्म हुआ तो हमें क्या करना है यहाँ पे स्लोएस्ट का फॉर्म लेना वैसे ही आपको यहाँ पे देखना है ठीक है गोल्ड इज द डैश ऑफ ऑल द मेटल्स सोना जो है अन्य मेटल्स धातुओं से बहुत ही ज्यादा क्या है महंगा है सो so, कॉस्ट स्टलियस्ट क्या करोगे बेटा इज द कॉस्टलियर ऑफ ऑल द मेटल ओकेश ऑफ ऑल द एनिमल्स ए डॉग इज दिच एंसर दट विल यू डू मोस्ट फेथफुल

क्वेश्चन वन दिस इज अ बिग कार बट आई वॉन्ट अ डैश क्या लिखोगे बेटा यहाँ पे डैश वन बिगर वन बी आई डबल जी E -R. यहाँ पे आपको क्या किया कहा गया कि आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं उन okay. वाक्यों को आपको क्या करना है कॉम्पेरेटिव फॉर्म में यानी कॉम्पेरेटिव डिग्री उस उस हुए एडजेक्टिव को आपको क्या करना है बिग कॉम्पेरेटिव फॉर्म में लिखना है जो बोल्ड में दिए हुए उनको बदलना है आपको कॉम्पेरेटिव फॉर्म में ओके नाउ नेक्स्ट शुगर इज स्वीट बट मनी इज स्वीट नेक्स्ट आई एम लकी बट यू आर डैश मी आई एम लकी बट यू आर लकी मी यहाँ पे दैन का यूज होगा मैंने आपको बताया था कि कुछ कॉम्पेरेटिव फॉर्म ऐसे होंगे जिसमें लिखने का मतलब दिए हुए ऑब्जेक्टिव के बाद तुरंत बाद दैन का यूज किया जाता है पूजा इज प्रीटी बट अनु इज prettier prettier than her okay your dress is expensive but mine is more expensive question number six my bag is heavy but yours is heavier क्योंकि यहां पे केवल कॉम्पेरेटिव फॉर्म पूछा जा रहा है नेक्स्ट माई फादर ड्राइव फास्ट बट योर फादर ड्राइव्स फास्ट विष्णु वर्क हार्ड बट हिज एल्डर ब्रदर वर्क हार्ड विष्णु दिस चैप्टर इज डिफिकल्ट बट द नेक्स्ट वन इज मोर डिफिकल्ट More difficult than this. This knife is not sharp. We need a sharper one. We need a sharper one. Okay, now question number E. Tick the correct sentences. आपको यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों को क्या करना है? आपको इन वाक्यों को लर्न करना है रीड करना है पहले रीड करके ये बताना है कि ये वाक्य जो दिए हुए हैं ये सही है या नहीं ओके फर्स्ट इज मैरी इज शॉर्टर देन ज्योति यहाँ पे देखो बेटा एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से तुलना की जा रही है तो तुलना जब की जा रही है तो मैंने जैसे यहाँ पे आपको समझाया था मोर है ना जैसे प्रिटियर दैन मैंने दैन का यूज किया तो यहाँ पे हमें देखना है कि हाँ मेरी इ शॉर्टर देन ज्योति ज्योति से मैरी जो है वो छोटी है तो दैन का यूज करना ही था और शॉर्टर सही है सो द सेंटेंस इज करेक्ट सो वी आर गोइंग टू पुट टिक ओके इन द सेम वे क्वेश्चन टू माउंट एवरेस्ट इज द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड यस इट इज ऑल्सो राइट सो वी आर गोइंग टू पुट द टिक स्वीटी इज स्ट्रॉगर दैन रोजी देन रोजी No, it's wrong. Sweetie is stronger than, अगर आता तो ये सही होता लेकिन पे देन लिखा हुआ so है पे शार्प के साथ क्या हम more use कर सकते हैं नहीं कर सकते इट्स रॉन्ग सो वी आर गोइंग टू पुट रॉन्ग टैगोर वर्स द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंड इंडिया टैगोर जो थे वो हमारे देश के बहुत ही महान बड़े कवि थे हाँ सही है टैगोर वॉज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया राइट सो आई एम गोइंग टू पुट हियर येक इन द सेम वे यू हैव टू फिल क्वेश्चन सी क्वेश्चन डी एंड क्वेश्चन ई इन योर टेक्स्ट बुक ओके हैव एन आईज एंड कंप्लीट योर वर्क